सुबह होते ही कंप्लेन कर दूं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं ये वीडियो निशा अंबर और अंजलि चौहान के बीच चल रहे विवादों पर बना रहा हूँ। जैसा कि कुछ दिनों से यूट्यूब इंस्टा हर जगह आप लोग देख रहे होंगे, दोनों के बीच कॉन्ट्रेसी की वीडियो। यार ये चल क्या रहा है? पहले तो निशा अंबर अंजलि चौहान को चोर बोलती हैं, उन पर चोरी का आरोप लगाती हैं। फिर जब अंजलि चौहान जवाब देती हैं कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है और वो अपनी माँ की कसम तक खा जाती हैं। अपनी अम्मा की कसम खा रही हूँ, अपनी अम्मा के सर की कसम खा रही हूँ। यही है मेरे पास, मेरे बाबूजी भी नहीं है, यही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसको कुछ हो जाए, मैं इसकी कसम खा रही हूँ। कि उन्होंने चोरी नहीं की है तो निशा अंबर उन पर कंप्लेन करने की धमकी क्यों देती हैं? मरने की धमकी, मरने की धमकी किसको मैडम? कल सुबह होते ही कंप्लेन कर दूं। गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा, निशा अंबर ने अंजलि चौहान पर चोरी का आरोप लगाया है, जिस पर अंजलि चौहान ने अपने मां की सर पर हाथ रखकर कसम खाकर बताती हैं कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। इस पर निशा अंबर ने क्या कह डाला अंजलि को? केवल आपकी मां आपके बगल में बैठी हुई है, इसलिए मैं आपसे ये बात करने जा रही हूँ। केवल माँ आपके बगल में बैठी हुई है, मेरी माँ मेरे बगल में होती है, माँ का आशीष होता है, पर आज तक अपनी माँ की कसम नहीं खाई। आज तक गलत काम करके, मैं कहूँ सही काम करके भी अपनी माँ की कसम नहीं खाई। झूठी माँ की कसम खाएगी नहीं ना? हाँ, कसम वो खाता है जो चोर होता है। विद प्रूफ खड़ी थी निशा अंबर, शब्दों से नहीं। ओ आ जाइए, ये स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएंगे आप लोगों के साथ। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपके अभी मैं प्रोफाइल में डाल दूंगी। तो ये स्क्रीनशॉट में मैं यहां से दिखा रही हूं आपको। मैं सारे पॉइंट लिख के मैडम आपके। तो 1.5 लाख रुपए का जिसके पास फोन हो, 40-50 हजार के रूम खर्च कर सके होटल में, मैनेजर और असिस्टेंट के बगैर वो निकलता ना हो, और एक वीडियो बनाने के जो 25,000 रुपये लेता हो, 8,000 रील बनाने के लेता हो, और 5,000 के प्रोडक्ट की चोरी कर ले, ऐसे बड़े सुपरस्टार को सलाम है मेरी तरफ से। पर वो सुपरस्टार है, गरीब नहीं है। अंजलि चौहान चोर, 5,000 रुपये क्या 50 लगा दूं? निशा लांबा हूं मैं, बट सही इंसान पे लगाओ, चोरों पे नहीं। अंजलि कि दोस्तों, एक वीडियो में निशा अंबर ये कहती हैं कि 5,000 क्या 50,000 लगा है, इसी तरफ ये 5,000 रुपयों के लिए केस करने की धमकी दी है। हालांकि अंजलि चौहान ने एक वीडियो में पोस्ट करके बताया है कि निशा अंबर के प्रोडक्ट वापस भी कर दिए हैं। जो मैंने चेक किया था तो वो तो खुल गया है, तो उसका मैंने पेमेंट कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। तो ये उनका प्रोडक्ट उनके पास चला जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को दोनों में से कौन सही लग रहा है तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा।